महिला सुरक्षा देश का सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। आए दिन देश में गैंग रेप के मामले होते हैं, लेकिन जनता तक वही मामले पहुंचते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एंगल होता है। देश में महिलाओं की कहीं सुरक्षा नहीं है और उत्तर प्रदेश में इसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश का गांव ललितपुर, जहां 13 साल की एक लड़की का गैंग रेप हुआ। मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इससे बहुत बड़ा है, लेकिन हादसा इतना दर्दनाक है कि आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों ने हैवानियत का एक और उदाहरण देश के सामने रख दिया है। ललितपुर कस्बे के 4 दरिंदों ने किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप किया। 3 दिन बाद उसे पाली थाने में लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने उसे मौसी के हवाले किया तो मौसी ने फिर उसे थाने में छोड़ दिया, जहां उसके साथ फिर गैंग रेप हुआ। एसपी से शिकायत पर इंस्पेक्टर व मौसी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाली थाने क्षेत्र में एक महिला ने एसपी से शिकायत की तो उसकी नाबालिग बेटी को पाली के 4 लोगों ने 22 अप्रैल को भोपाल ले गए। उसे रेलवे स्टेशन के पास 3 दिन तक छिपाकर रखा और दुष्कर्म किया। 26 अप्रैल को लड़की को वापस लाया गया और थाना पाली में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने लड़की को उसकी मौसी के पास पहुंचा दिया। 27 अप्रैल की सुबह किशोरी को थाने बुलाकर बयानबाजी दर्ज की गई और शाम को मौसी उसे इंस्पेक्टर के साथ कमरे में ले गई, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन इसकी सूचना माता पिता को नहीं दी गई। 30 तारीख को बेटी को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया, जहां काउंसलिंग में उसने घटना बताई। चंदन, राजभान, हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया, प्रभारी निरीक्षण पाली तिलकधारी सरोज व मौसी गुलाब बाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आप खुद सोचिए, क्या उस 13 साल की लड़की को रेप का मतलब भी पता होगा? मदद मांगने पहुंची थी वो थाने, क्या हुआ उसके साथ? दरिंदों में अब बस एक वर्दी का फर्क रह गया है। हैवानियत की ये तस्वीर देखकर आप सभी की रूह जरूर कांप गई होगी, लेकिन प्रशासन में बैठे नेताओं का क्या? विपक्ष लगातार अपना बयान दे रहा है, लेकिन योगी सरकार के नेता कहाँ है? क्या रेप अब उत्तर प्रदेश में मामूली बात हो गई है? इससे बाकी जनता के सामने पुलिस प्रशासन एक ही संदेश पहुंचाना चाहती है कि गलती से भी इंसाफ मांगने उत्तर प्रदेश के थाने मत पहुंच जाना। जहां अखिलेश यादव ललितपुर में पीड़िता को न्याय दिलाने पहुंच चुके हैं, वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस पे ट्वीट कर अपनी प्रक्रिया जाहिर कर दी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और तो और वो पुलिस कर्मचारी भी फरार बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि गलती से भी न्याय मांगने उत्तर प्रदेश के थाने मत पहुंच जाना। वहां वर्दी में पुलिस वाले नहीं, हैवानियत से भरे दरिंदे बैठते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।